समाज से बंद करने को लेकर मनावर के दीपक पिता मोतीलाल पाटीदार जाति कुलमी निवासी ग्राम करोली ने धार पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता से गुहार लगाई है। दरअसल आवेदनकर्ता दीपक ने अपने आवेदन में बताया कि उसके निवास के लिए उसने 29x75 का एक भूखंड खरीदा था, जिस पर उसने दोनों ओर से जगह छोड़ते हुए 27x70 में निर्माण भी किया। उसके निवास की पूर्व दिशा में पंचायत भवन बनना था, जिस ओर उसने हवा निकासी के लिए खिड़कियां रखी थी और पंचायत भवन बनने पर खिड़कियां बंद करने की बात भी कही थी। जब पंचायत भवन बना तो खिड़कियां भी बंद कर ली गई, यहां तक कि पंचायत भवन की दीवार भी उसके भूखंड पर बनी है, जिससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बावजूद इसके समाज के लोगों राधेश्याम पाटीदार, पिता गंगाराम पाटीदार, जगदीश पिता शंकरलाल पाटीदार, महेश पिता भीमाजी पाटीदार, सेवक राम पिता माऊजी पाटीदार और जगदीश पिता माधवजी पाटीदार निवासी ग्राम करौली तहसील मनावर द्वारा मुझे समाज से बंद करने, मंदिर में जाने से रोकने, आटा चक्की में प्रतिबंध, नल जल कनेक्शन काटने या फिर मुझसे कोई भी बात करता है उस पर 5100 रुपये का जुर्माना लगाने जैसी काम करते हैं। यहाँ तक कि मेरी गाय बांधने के लिए एक कुटिया थी जो तोड़ दी गई। आए दिन लोगों को बरगला कर मुझ पर गाली गलौज और विवाद करते हैं। आवेदनकर्ता दीपक ने आवेदन के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर दीपाश्री गुप्ता से गुहार लगाई है कि उसको और उसके परिवार को सुखपूर्वक जीने के लिए मार्गदर्शन करें। मामला ये है, मैंने अपना 28x75 में मकान का निर्माण किया था। साइट में पंचायत की ज़मीन थी, वहाँ पर मैंने खिड़की रखी है। तो समाज वालों का कहना है कि यहाँ पर खिड़की मत रख। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया ये मेरी ज़मीन में मैंने रखी है, मैंने 10 इंच अपनी ज़मीन छोड़ के रखी है। उसके बाद में भी इनने मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार किया तो उसमें इनने किया है कि इनसे कोई बोलेगा नहीं, इसके यहाँ पानी नहीं देना है, नल काट दो इनके, नल काट दिए, मंदिर में नहीं जाने देंगे, पूजा पाठ नहीं करने देंगे, मुझे मंदिर में नहीं जाने दे रहे 3 साल से। उसके बाद में मैं रहता था लॉकडाउन के दौरान शोभाराम पिता नत्थूजी पाटीदार के मकान में, उसका मकान भी इनने खाली करवाया या उनने करवाया उनके मन से, वो जाने। उसके बाद में मैंने गाय बांधी थी रमेश पिता वालाजी पाटीदार के यहाँ, तो उस पर भी इनने सामाजिक दबाव बनाया, वो शांत हो गया। उसके बच्चों पे दबाव बनाया कि यार यहाँ से गाय छुड़वा, नहीं तो तेरे पिताजी को हम उठाने नहीं आएंगे। तो उस चीज़ की हमारे पास सबूत है, उसका हम आपको सबूत भी बता देंगे उसका। तो फिर उनने बोला कि यार भैया ये मेरे पिताजी का काम बिगड़ रहा है, आप क्या करना। तुम ला यार बिल्कुल भैया, मैं तेरे पिताजी का काम नहीं बिगड़ने दूंगा, ये चीज़ बिल्कुल मैं यहाँ से गाय हटा लेता हूँ। तो फिर मैंने मेरी गाय की दूसरी व्यवस्था करी है। तो मेरा ये है कि मंदिर में भी प्रवेश रोका था आपका? हाँ, मंदिर में प्रवेश रोक रखा है ना सर, मंदिर में जाने नहीं देते हैं। किसी से बोलो तो उससे 5100 रुपये दंड है, और अगर कभी वो प्रेम की भाषा अगर बोले तो 5100 रुपये दंड लेंगे, और अगर कभी अभद्र व्यवहार करे, गाली गलौज करे, झगड़ा करे तो उसके लिए समाज का छूट है। अच्छा, अभी आप यहाँ पे मुलाकात लेके आप यहाँ पे आए हैं, इसके साथ क्या अभी समक्ष दिया आपने? हाँ, क्या हुआ कि वहाँ से आपको किस पता था? वहाँ से बोला इन पे कार्रवाई करेंगे, और अपना ये कि इन पे कार्रवाई होए और मुझे न्याय मिले। अच्छा, कौन लोग थे जिन लोगों ने आपको बहिष्कार करने का सहयोग किया? डॉक्टर राधेश्याम पाटीदार, सेवकराम पिता माऊजी पाटीदार, महेश पिता भीमाजी पाटीदार और जगदीश माधवजी पाटीदार, जगदीश शंकर जी पाटीदार। अच्छा, आप यहाँ पे आवेदन देने आए, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? शासन प्रशासन से यही चाहते हैं मुझे न्याय मिले और इन्हें जो भी किया है इन पे कार्रवाई हो।